गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फाइनली हम लोग ट्रेन पे बैठ गए हैं और ट्रेन चल भी दी है और सब लोग खाना पीना खा लिए हैं और लोग अपने अपने सीट पे मतलब कि बिस्तर वगैरह लगा कर सो रहे हैं। तो देखिए मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ देखिए सोनाक्षी ऋषभ एक सीट पे हो गए हैं और नीचे किट्टो बाबू को लेकर सोई हैं, ऊपर अमित, इधर मोनिका जी का आदमी और इधर मोनिका जी, इधर मंटू इधर खड़ा हुआ है और समोसे वाले मैम समोसे का उधर है और मेरा इधर है और कुछ लोगों का उधर है, तो लोगों का अलग अलग है। अभी सब लोग घूम फिर रहे हैं मतलब कि इधर उधर अपने लेटे हुए हैं और हम लोग अभी ट्रेन क्या हुआ समोसा ए सो जा। तो गाइस अभी ना हम लोग का एक डेढ़ घंटे ट्रेन लेट चल रहा है, अब देखते हैं भाई ठंडी का समय कब पहुंचाता है। और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है आप कहाँ जा रहे हो। हम लोग उज्जैन जाने का भी प्लान था लेकिन अभी हम लोग सीहोर जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर भोले बाबा का मंदिर बन रहा है। अभी बन ही रहा है लेकिन कहते ना वहाँ पर अभी बाबा को बैठाया भी नहीं गया है, बस ये है कि वहाँ के हर कंकड़ में शंकर पाए जाते हैं, लोगों का मन्नतें पूरी होती है, बहुत चीज़ें वहाँ पर जो चीज़ है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आप लोग को अच्छे अच्छे करके दिखाऊंगी, रील्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। ज़िंदगी में एक बार आप लोग भी जाइएगा और बहुत अच्छी मतलब है जगह है। कभी कभी तो भाई घर बैठे सब मिल जाता है लेकिन कहते हैं ना बाबा उसी को बुलाते हैं जिनके ऊपर कृपा होती है। तो मैं भी डेढ़ साल से सोच रही थी, बस यही बाबा से बोलती थी बाबा ऐसी कृपा करना हम भी आपके घर आऊँ। मतलब कि मैं जब कथा देखती थी मैं बहुत मतलब कि कभी कभी ना इंसान तो रोता नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसी बातें गुरु जी हमारे बोलते थे जो हम सुनते थे हमारे दिल को लगती थी और मुझे आग से खूब आशीष देते थे, बस ये बाबा मुझे भी बुला लेना। तो जब बाबा का कृपा होती है भाई तो हाथ पकड़ के खींच लाते हैं। तो बहुत सारी समस्या जो हमारे साथ हुई थी, ट्रेन लेट थी, कोई बोला 20 घंटा लेट है तो हम लोग घबरा गए, हम भी अब बाहर निकल गए, बाबा अब संभालेगा जैसा होगा। तो बस यही है, अभी सोते हैं फिर मिलते हैं सुबह, फिर देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा आप लोग को नया अपडेट मिलता रहेगा। तब तक बने रहिए ब्लॉग के अंदर। गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह का टाइम है और आज भाई 1 तारीख हो गया 2024 और भगवान का दिन से हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिन सोमवार है, जैसे होता है ना सोमवार मंगलवार बुधवार, जो नया दिन नया तारीख नया मतलब सब कुछ नया नया है। बस ये है कि सुबह हो गया है, हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, ट्रेन जो हम लोग का 5:40 से पहुँचना था अभी भाई बोला मतलब सब लोग सोचे कि 9 बजे पहुँचेगा लेकिन दिन के दिन ट्रेन लेट हो जा रहा है, सब सो रहे और हमारा तो टाइम से नींद खुल जाता है, उठे बैठे थे कब से अपना ट्रेन में ही फ्रेश वगैरह हो गए थे और यहाँ बच्चे जाग गए दिखाते हैं। तो ये देखिए कृतिक और ऋषभ दोनों जग गए हैं और ऋषभ का टोपी इधर उधर फेंक दिया है, अभी लगाया नहीं है। कृतिक बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो मभ्यम ए नभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृतिक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अच्छा ताली पीट दे। तो बच्चे जाग गए हैं, ये लोग को ट्रेन में आया था, ऋषभ का कृतिक का अपना नाश्ता पानी हो गया है, देखो कितना खुश है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, जय शिवाय नमस्तुभ्यम। बेचारा बोल नहीं पा रहा है फिर भी कोशिश कर रहा है, बाबा बोलो, ऋषभ तुम बोलो, बाबा बोला ना, देखो ऋषभ ना जैकेट ना स्वेटर पहना है, अरे ना मतलब कि दो पहना है ऊनी टाइप का लेकिन ना जैकेट और अरे टोपी निकाल रखा है। और वहाँ मंटू जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, धीरे धीरे सब उठ रहे हैं, इनकी माँ तो भाई एकदम नाग ऋषभ बुलाती हैं जैसे लग रहा है कि ट्रेन पूरा हिला दी थी। तो यहाँ आगे खिलाने क्या कृतिक को नहीं हुआ स्लीपर लेने, तो यहाँ सब धीरे धीरे जाग रहे हैं फ्रेश होने के लिए भी। भाई स्लीपर कोई नहीं पहन, क्या है ठंडी में सब जूता मूता ही पहन कर आए हैं,
हम से कह रहे थे तुम जूता पहन के चलो, उनके ना ठंड है तुमको चप्पल पहन के चलेंगे हम। एक कृति सबको नमस्ते करो, बोलो आज के सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृतिक वो देख रहा है सूरज, वो पहन रहा था देख रहा था। कृतिक बोलो सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब वो भी बुलाएगा, नहीं बोल रहा है। बोलो ट्रेन काफी लेट है, देखते हैं कितने में पहुंचाता है, तब तक बने रहिए, मिलते कुछ टाइम बाद। 2024 में तुम्हारा स्वागत है, 2023 में सो रही बेचारी, 2024 में जगी है। ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखा जो 2024 में जाग रही है। कितने साल में उठी हो, कितने साल में उठी हो? मैं 24 में। भाई 24 बहुत सोते हो तब तो आप। मैं तो भाई एक साल सोया हूँ। मैं तो नहीं सोई, मैं तो जाग रही। ए मोनिका जी बहुत सोई, पहरा दी है सबको, कौन क्या कह रहा है? चीके चीके पे सोई सोई सोई। ए जी मोनिका जी नारद है, सही कह रही है, नारद का नाम सही रखी है। ए ए मोनिका जी, ऊपर वाली लड़की से काहे पंगा लेती हो, बाप के हमरा का समझे तू, सब गाड़ी सुनवा दे लू। तो यहाँ पर कृति को खिलाया जा रहा है सेरे लेक, और क्या बोल बैठेगा के पति देव, आपको एडवांस में हैप्पी जन्म, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जन्म, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी बोलो, हैप्पी जर्नी। पता है आपका कल बर्थडे है, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच आपको, एंड हैप्पी न्यू ईयर। टाइम नहीं है, मोस्ट वेलकम। तो गाइस अभी हम लोग जो क्या चीज, तो गाइस अब आजकल क्या बोलते हैं कि हम लोग अभी बाबा की नगरी में पहुंचे नहीं है। क्या है तुम लोग मजाक बहुत करते हो, बात कर रहे हो ना? तो बाबा की नगरी में नहीं पहुंचे, लग रहा है कि हमने सोचा था कि आज ही आज हम लोग दर्शन करके निकल जाएंगे, लेकिन बाबा ने बोला इतना दूर से आई, चेहरा दिखा रही हूँ या सीट, मेरा चेहरा दिख रहा है? चेहरा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है पर ज्यादा सीट फोकस है, कोई बात नहीं। तो बाबा बोले ना दूर से आ रहे, छोड़ेंगे नहीं, साथ में रखेंगे एक आध दिन। तो ऋषभ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? इसे तो अच्छा ही लगे, तो उन लोग से गए हम मिलकर आ गए, उस बोगी मतलब जो और साथ में है वह मिलकर आ गए, आधा एक घंटा दो घंटा सुबह बैठे थे, बातें साथे करके आए हैं। अभी देखते हैं कितने बजे पहुंचाएगा, बहुत इंतजार है कि अपने बाबा से मिलने के लिए। बस बस कितने जाओ, जितना बजा दो, जितना बजा दो। तो ये वाला ब्लॉग यही से एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना। हम लोग बहुत मतलब खुशी थे, एक तरफ से दुखी हो गया इसलिए कि हम लोग का लेट हो गए, सात घंटा बहुत मायने होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। कोई बात नहीं, बाप के घर जा रहे हैं, सात घंटा भी हम लोग झेल लेंगे। पति देव चलिए कुछ बोलना चाहते हैं, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं भाई, समाप्त ही कर दो वीडियो को। नए साल में खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा और खूब भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्ते।